बॉलिंग पिच है, जो पहले बल्लेबाजी करेगा वो कहीं ना कहीं मैच हारेगा, जो पहले फील्डिंग करेगा कहीं ना कहीं मैच जीतेगा, ज्यादा चांसेस सही है। बाकी क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, होता है तो वहाँ पर 150 रन बना लेता है तो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर होने वाला है। उसके बाद आउटफील्ड भी भाई काफी स्लो है, वहाँ पर गेंद टिप खाने के बाद चौका ही नहीं जाती है। हाँ दम है बल्ले में, दम है कल्ले में, दम है तो छक्का मारो। चलिए बात करता हूँ भारत की तरफ से कौन सी टीम होने वाली है। भारत की तरफ से भाई ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे रोहित शर्मा, हिटमैन, साथ में विराट कोहली। वैसे मैं तो बोलूंगा यार सचिन जायसवाल को मौका देना चाहिए, T20 में अच्छा खेलता भी है, लेकिन नहीं वहाँ पर लेके गए उसको, शायद मैच दिखाने के लिए गया न्यूयॉर्क घुमाने के लिए। एक राइट एक लेफ्ट का कॉम्बो होना चाहिए, लेकिन ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे हिटमैन रोहित शर्मा और साथ में उतरेंगे विराट कोहली। भैया रोहित शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है, उनको चाहे जहां लेके जाओ वो लंबे चौके छक्के लगाते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है तो रोहित शर्मा कितना ज्यादा मारते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर कहीं ना कहीं फास्ट बाउंस पिच पे प्रैक्टिस करके आते हैं। विदेशी स्टेडियम में कहीं पर भी मैच होता है तो रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं, साथ में आएंगे किंग कोहली। दो ओपनर आएंगे विराट कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा, और साथ में आएंगे तीसरे नंबर पर वन डाउन पर हमारे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत पर इस बार विराट कोहली का रोल दिया जा रहा है, अभी तक वन डाउन पर विराट कोहली आते थे लेकिन अब ऋषभ पंत आ रहे हैं। ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मारा था, उसके बाद आयरलैंड के मैच में भी ऋषभ पंत ने अच्छा खेला था, तो तीसरे नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत। चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद पांचवें नंबर पर यहां पर पेच फंस रहा है शिवम दुबे, संजू सैमसन। मैं प्रेफर करूंगा कि संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, संजू सैमसन के पास ज्यादा अनुभव है, न्यूयॉर्क में जहां पर मैच हो रहा है वहां पर हिटर की जरूरत नहीं, ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो रोक कर खेले, वो अनुभव संजू सैमसन के पास है। शिवम दुबे को अभी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शिवम दुबे को पिछले मैच में खिलाया गया था, इसमें मैं बोलूंगा कि संजू सैमसन को मौका दिया जाए। फिलहाल मैं तो भाई अपने टीम में पांचवें नंबर पर रख रहा हूं संजू सैमसन को। उसके बाद छठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या भारत के लिए पता नहीं कितने मैच निकाले हैं, IPL में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब वो भारतीय टीम के लिए खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो लंबे चौके लंबे छक्के और हिटर के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या को मैं रखता हूँ छठे नंबर पर। सातवें नंबर पर आएंगे रविंद्र जडेजा, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, स्पिन साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो भारत देश के लिए रन बनाते हैं, तो सातवें नंबर पर मैं रखूंगा रविंद्र जडेजा को। और उसके बाद आठवें नंबर पर आप किसको रख रहे हैं, मैं तो भाई अक्षर पटेल को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, अक्षर पटेल को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है, देखो रविंद्र जडेजा को आप खिलाएंगे इसमें कोई नो डाउट, लेकिन उसके बाद आप किसको, पिछले मैच में अक्षर पटेल को खिलाया था आप, कुलदीप यादव हैं, युजी चहल हैं, इसमें अच्छी बॉलिंग की जरूरत है, अनुभवी बॉलर की जरूरत है, तो वहाँ पर कुलदीप यादव को आपको खिलाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आठवें नंबर पर मैं कुलदीप यादव को रख रहा हूँ। अब इसके बाद तीन फास्टर बॉलर में हार्दिक पांड्या बॉलिंग अच्छी कर ही रहे हैं, साथ में भाई सिराज बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेते हैं, सिराज, हरदीप, जसप्रीत बुमराह ये बॉलर भी हो गए, इस तरह से 11 टीम हो गई भारत की, यही प्लेइंग 11 होने वाली है। हाँ कुलदीप यादव अक्षर पटेल में कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, शिवम दुबे संजू सैमसन में संजू सैमसन को खिलाना चाहिए। यह है भारत की टीम, आपके हिसाब से कौन सी टीम हो सकती है आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे अगर भारत पहले बल्लेबाजी करते हैं तो लगभग 170 रन बनाना पड़ेगा।